दुर्घटनाएं हैं वो घरों में हो रही हैं बजाय कि रोड साइड होने के। जैसे अडल्ट्स के यहाँ तो होती है भाई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई हिट करके चला गया, बच्चों में घरों में ही दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो हमारे पेरेंट्स जो सबसे ज़्यादा बच्चों को चाहते हैं, जो संरक्षण जिनके जान के टुकड़े हैं, वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से अपने बच्चों को कई बार बहुत ही डेंजरस सिचुएशंस में डाल देते हैं। तो इसका एम यही है कि उनमें थोड़ी जागरूकता लाई जाए कि घर। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में 14 से 20 नवंबर तक हुआ शिशु एवं बाल सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। इस वर्ष की थीम शिशु सर्जन, शिशु एवं बाल सुरक्षा में संरक्षक के साझेदार के जरिए जागरूकता के हुए प्रयास। हर वर्ष शिशु सर्जरी सप्ताह 14 से 20 नवंबर के बीच मनाया जाता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जन्स के द्वारा हर वर्ष पूरे सप्ताह शिशु एवं बाल हित के लिए जागरूकता लाने के विशेष प्रयास भी किए जाते हैं। इस वर्ष यह सप्ताह शिशु एवं बाल सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया गया। इस वर्ष की थीम शिशु सर्जन, शिशु एवं बाल सुरक्षा में संरक्षक के साझेदार थी। प्रोफेसर एवं हेड शिशु सर्जरी डॉक्टर गरिमा अरोड़ा ने बताया कि समय के साथ बच्चों में विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आश्चर्यजनक बात यह है कि बच्चों की दुर्घटनाएं सबसे ज़्यादा घर में होती है। रोड पर होने वाली और घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाएँ नंबर 2 पर आती हैं। संरक्षक को इन दुर्घटनाओं के बारे में जागरूक करने और बहुत सारी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। हर रोज बच्चे शिशु सर्जरी, ओपीडी में और इमरजेंसी में विभिन्न प्रकार की चोट के साथ आते हैं। कई मरीजों का इलाज फर्स्ट एड के द्वारा हो जाता है, परंतु बहुत सारे मरीजों को भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। उनमें से कईयों को ऑपरेशन की भी जरूरत होती है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में या मृत भी लाए जाते हैं। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के शिशु सर्जरी यूनिट के द्वारा 20 नवंबर शनिवार को ओपीडी के कमरा नंबर 9 में एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। प्रदर्शनी संरक्षक की जानकारी बढ़ाएगी कि बच्चों में दुर्घटनाएं किस प्रकार हो सकती है और उन्हें किस तरह से बचाया जा सकता है, इलाज से बचाव बेहतर है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन एडिशनल प्रिंसिपल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज डॉक्टर भास्कर के द्वारा किया गया। समारोह में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनिल जैन व अन्य सीनियर डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। इस प्रदर्शनी का आयोजन डॉक्टर गरिमा अरोड़ा प्रोफेसर एवं हेड शिशु सर्जरी के मार्गदर्शन में किया गया। शिशु सर्जरी एवं सर्जरी के सहायक आचार्य डॉक्टर दिनेश बरोलिया व समस्त रेजिडेंट डॉक्टर्स के सहयोग से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एक्चुअली ये प्रदर्शनी जो है ऑल ओवर इंडिया ऑर्गेनाइज हो रही है। जो भी ऑल ओवर इंडिया जो पीडियाट्रिक सर्जन्स हैं, शिशु सर्जन हैं, उन लोगों ने ये एम करा कि इस हफ्ता अपन बच्चों की सेफ्टी पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि जो बच्चों की दुर्घटनाओं की जो नंबर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और जब उसको स्टडी करा गया है तो ये पाया गया है कि मैक्सिमम जो दुर्घटनाएँ हैं वो घरों में हो रही हैं बजाय कि रोड साइड होने के। जैसे अडल्ट्स के यहाँ तो होती है भाई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई हिट करके चला गया, बच्चों में घरों में ही दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो हमारे पेरेंट्स जो सबसे ज़्यादा बच्चों को चाहते हैं, जो संरक्षक जिनके जान के टुकड़े हैं, वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से अपने बच्चों को कई बार बहुत ही डेंजरस सिचुएशंस में डाल देते हैं। तो इसका एम यही है कि उनमें थोड़ी जागरूकता लाई जाए कि घर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड कर सकते हैं, जिनका ध्यान रखने से बच्चों में दुर्घटनाएं मिनिमाइज हो जाएंगी, और अगर हुई भी तो वो उनकी डिग्री इतनी सिवियर नहीं होगी कि बच्चे की जान पर आ बने। तो एक तरह की जागरूकता लाने के लिए कॉमन मैन में अपन ने ये एग्जीबिशन करी है। सबके लिए मेंट है, जो भी पेरेंट्स हैं, जिनके भी कोई बच्चे हैं जिनकी वो देखभाल कर रहे हैं, कोई भी आकर इसको देख सकता है। कई बार तो इस प्रकार की जानकारी पैरामेडिकल स्टाफ में भी नहीं पाई जाती है, नॉट ओनली कॉमन मैन, कई बार तो जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको भी ये जानकारी नहीं होती कि ये चीज़ खतरनाक हो सकती है। समथिंग एज सिंपल, जैसे एग्जांपल बताऊँ, हम लोग रेगुलर बेसिस पे मूंगफली खाने को देते हैं बच्चे को, पर कई बार वो मूंगफली बच्चे की सीधी सांस में चली जाती है, उसकी सांसें रुक जाती है। तो किस तरह से मूंगफली दी जाए, अगर दे रहे हैं तो राजमा खिलाया जाए तो कैसे खिलाया जाए, चाकू है, गर्म पानी है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, उसमें उंगलियां डाल देते हैं बच्चे, तो किस तरह छोटी छोटी चीज़ें, कई बार बच्चे खेल रहे हैं हम लोग ध्यान नहीं देते। हमारे ऐसे भी बच्चे आते हैं कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को पैर पे सीधा मारा और उसके आँख फट गई है, बड़े ऑपरेशन करने पड़े, सीरियस इंजरीज हो गई। हम लोग बच्चे खेल रहे होते हैं तो उसको लाइटली ले लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें, थोड़े जागरूक हो सके लोग, इसलिए ये ऑर्गेनाइज।